हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। तो आज की वीडियो काफी खास और एंटीक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफी रेयर गाड़ी के बारे में, जिसकी डिटेल्स आपको यूट्यूब और इंटरनेट पर भी काफी कम देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज, अगर आप एक ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं तो आपने वॉक्सवैगन की क्लासिक वैन के बारे में तो सुना ही होगा या कहीं ना कहीं देखी होगी, जिसे 23 विंडोज वाली बस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अपनी ही एक अलग लीक थी। और इस वॉक्सवैगन बस के साथ तो एक पूरा कल्चर जुड़ा हुआ है, जो अब एक प्रीसेस कलेक्टिव आइटम बन चुकी है, जो अब आपको कहीं मुश्किल से ही देखने को मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि कई दशकों पहले हमारे यहाँ यानी इंडिया में भी इसका एक देसी वर्जन था, जिसका नाम था मेटाडोर। तो आज इस वीडियो में हम उसी मेटाडोर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं मेटाडोर के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दें इस एंटीक क्लासिक वैन के लिए। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। वॉक्सवैगन जैसी मिनी बस या फिर क्लासिक वैन का देसी वर्जन बजाज टेम्पो मेटाडोर इंडिया में 60 के दशक में लॉन्च हुआ था, और इसने बहुत से लोगों के दिल जीते, क्योंकि ये काफी जगह इस्तेमाल होती थी, जैसे फैमिली वैन के तौर पर और गुड्स डिलीवरी यानी सामान को इधर से उधर ले जाने वाली डिलीवरी वैन के तौर पर, एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल और यहाँ तक कि एक स्कूल बस भी। और अगर आज किसी से टेम्पो का मतलब पूछा जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले कोई गंदी सी डिलीवरी वैन ही दिमाग में आएगी। लेकिन टेम्पो वर्ड एक्चुअली एक ट्रेडमार्क टर्म है जो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी वाइडल एंड शॉन टेम्पो वर्के यूज करते थे, और ये जर्मन कंपनी काफी फेमस है अपनी क्लासिक व्हीकल्स के लिए, जैसे मेटाडोर एंड हैंडसेट। और इसी टेम्पो कंपनी ने इंडियन कंपनी बजाज टेम्पो मोटर्स के साथ अपना हाथ मिलाया, और ये बजाज टेम्पो मोटर्स बाद में फोर्स मोटर्स हो गई, जिसने ये क्लासिक वैन का इंडियन एडिशन प्रोड्यूस करा। और ये क्लासिक वैन दो नाम से आई थी, बजाज टेम्पो वीकिंग जो इंडिया में लॉन्च हुई 1964 में, और बजाज टेम्पो मेटाडोर जो 1969 में लॉन्च हुई थी। और पुणे में रहने वाले लोग इस क्लासिक वैन को अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि मेटाडोर और वीकिंग दोनों बजाज द्वारा बनाई गई थी और जिनका हेडक्वार्टर्स पुणे में ही था। और ये बात भी सच है कि जहाँ से किसी चीज़ का ओरिजिन होता है वहाँ के लोगों को इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा और पॉपुलर होगी अपने शहर में, सिमिलरली जैसे फिएट पॉपुलर थी बॉम्बे में और एम्बेसडर पॉपुलर थी कलकत्ता में, ऐसे ही मेटाडोर पुणे से थी। और ये वैन्स के दो मॉडल्स आए, जिसमें थी बजाज टेम्पो वीकिंग जो पेट्रोल पावर्ड थी और इसमें 2-स्ट्रोक 3 सिलेंडर इंजन था, और दूसरी बजाज मेटाडोर जो एक डीजल पावर्ड वैन थी जिसमें 4-स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन था। वो 44 BHP की पावर प्रोड्यूस करती थी 105 Nm की टॉर्क के साथ, जिसका मतलब इसका इंजन भले ही अंडर पावर्ड हो लेकिन टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। और ये मॉडल्स उस टाइम आए थे जब इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाथ गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, तो आप उस जमाने में इन इंजन से और भी क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी अंडर पावर इंजन थे एक मिनी बस के लिए, और उन्हें काफ़ी रेव करना पड़ता था इनसे पावर निकालने के लिए। और इन दोनों का डिज़ाइन लगभग सेम ही था, बस जो फिजिकल डिफरेंस था वो था कि वीकिंग में आपको 2 राउंड हेडलाइट्स मिलती थी फ्रंट में, जबकि मेटाडोर में आपको राउंड की जगह स्क्वायर हेडलाइट्स देखने को मिलती थी। साथ में एक मेटल का एफ लोगो इसकी ग्रिल पर, जो फोर्स मोटर से डिनोट करता था। और दोनों ही गाड़ियां 60 से 80 के दशक में खूब इस्तेमाल हुई प्राइवेट और एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पर। और इससे पहले बजाज टेम्पो ने एक 3-व्हीलर भी लॉन्च करा था 1959 में, वाइडल एंड शॉन टेम्पो वर्के के जॉइंट वेंचर में ही, जिसका नाम था टेम्पो हैंडसेट, जिसमें 397 cc यानी 397 cc का वाटर कूल्ड हैनिकल 2-सिलेंडर 2-स्ट्रोक इंजन था, जो मुश्किल से 15 BHP तक की पावर निकाल पाता था। और बाद में इसके पेट्रोल इंजन को ग्रीवीस लोम्बार्डिनी 500 cc के डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। और इस 3-व्हीलर को आपने कभी न कभी किसी गांव या रूरल एरियाज में जरूर देखा होगा, और इसको पब्लिक ने काफी अजीब अजीब नाम दे रखे थे। अगर आप में से किसी को इसके अजीब नामों में से कोई नाम याद है तो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप उस जमाने के हैं जिस जमाने की ये गाड़ियाँ थी, जैसे मेटाडोर, तो आप कभी ना कभी इसमें बैठकर स्कूल जरूर गए होंगे और आज आपकी मेमोरी ताज़ा हो गई होगी। लेकिन ये पॉपुलर व्हीकल की प्रोडक्शन काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गई थी। टेम्पो वीकिंग की प्रोडक्शन तो 1970s में ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि 1973 की ऑयल क्राइसिस की वजह से पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे और बहुत से पेट्रोल पावर्ड कमर्शियल व्हीकल सक्सेसफुली नहीं चल पाए। और इसी वैन का डीजल वर्जन मेटाडोर की प्रोडक्शन सन 2000 में बंद हुई, और जब तक ये मेटाडोर बंद हुई इसको लगभग 50 साल हो गए थे प्रोडक्शन में।
और इन वैन्स का बंद होना भी तय था क्योंकि न्यू एडवांस जापानीज गाड़ियां इंडिया में आने लगी थी और एमिशन नॉर्म्स भी डिफिकल्ट होते जा रहे थे। पॉप कल्चर फेवरेट, जैसे ओरिजिनल वॉक्सवैगन की कैंपर मिनी बस या टाइप 2 फेमस है अपने पॉप कल्चर और ग्रुप्स कैरावैनिंग के लिए, यानी अपने फ्रेंड्स का ग्रुप उठाओ और चल दो किसी अनजान और एडवेंचरस सफर पर, इसी वैन से ये कल्चर्स आया है। उसी तरह मेटाडोर भी थी और एक इंडिया के केरला के ग्रुप ने अपने म्यूजिक बैंड का नाम ही उन्होंने मेटाडोरिया रखा है और उन्होंने अपने लिए एक मेटाडोर को भी रिस्टोर करा है लाइक रेप्लिका ऑफ वॉक्सवैगन क्लासिक वैन। तो उन्होंने एक इतनी आउटडेटेड कार ही क्यों चुनी, क्योंकि उसमें कुछ तो खास बात होगी और वो फील करना चाहते होंगे वो 1960s का एरा जो कैरावैनिंग नाम से जाना जाता है। और इस मेटाडोर को बॉलीवुड की काफी मूवीज में भी दिखाया गया है और इसने ही यानी मेटाडोर ने ही इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल्स में चेंज लाया इंडिया के अंदर। अ विंटेज कलेक्टेबल, एक इतनी पुरानी और रेयर चीज जिसका अब कहीं मिलना भी मुश्किल है, वो 100% एक कलेक्टेबल आइटम तो होगी ही। और कुछ मेटाडोर्स और व्हीकल्स जो अभी भी ठीक ठाक हालत में हैं, उनका कलेक्टर्स के बीच एक अलग ही रिश्ता है। और इसकी क्या कीमत होगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक वॉक्सवैगन की क्लासिक वैन की प्राइस इंडिया में लगभग 25 लाख होगी, लेकिन अब एक भी वॉक्सवैगन की वैन मार्केट में नहीं है और इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अंत करते हैं इस कारवा का इस कैरावैन के साथ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस मेटाडोर के बारे में नहीं पता। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।